क्योंकि अलग बाग भी बरामदी हो चुकी है तो किसी मुनाफे भरपूर तवज्जो चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पे जो लोग है ना बिल्कुल वो देखते रहते हैं, दाद नहीं देते। मैं इमदाद नहीं कह रहा हूँ, दाद तो सबसे पहले बारगाह हुसैन में एक नजराना पेश कर रहा हूँ। फैला रहा हूँ इसलिए कशकौल बंदगी, फैला रहा हूँ इसलिए कशकौल बंदगी, सांसों को करबला की हरारत का शौक है। तवज्जो, फैला रहा हूँ इसलिए कशकौल बंदगी, सांसों को करबला की हरारत का शौक है। जन्नत की एहतियाज नहीं मुझे, बस शबीर तेरे शहर की ज्यारत का शौक है। बहुत शुक्रिया। तो जनाब अब्बास बिस्मिल्ला के हुस्न व कमाल देता है अब्बास का आलम, इसे समझ आया वो जरूर। हुस्न व कमाल देता है अब्बास का आलम, गम से निकाल देता है अब्बास का आलम, मुश्किल कशा की बात तो बड़ी बात है शौकत, अपनी तो टाल देता है अब्बास का कि हालात से थक जाते हैं जब हौसले अपने, हालात से थक जाते हैं जब हौसले अपने, तस्कीन का एहसास निकल जाता है मुंह से। मैं जब भी लफ्ज वफा लिखने का करता हूं इरादा, बेसाख्ता आवाज निकल जाता है। अब्बास पंतन की इताअत का नाम है, सारे तवज्जो, अब्बास पंतन की इताअत का नाम है, ये मीर कारवान शुजात का नाम है, हर दौर के इमाम को गाजी पे नाज था, अब्बास के तमादे इमामत का नाम है। बड़ी मेहरबानी कि अब्बास ताजदार वफा अर्जमंद है। जो लोग अदीब जान बैठे हैं, जो लफ्जों को समझते हैं वो जरूर भूलिएगा। अब्बास ताजदार वफा अर्जमंद है, ऐसे खुदा पसंद खुदी को पसंद है। अब्बास ताजदार वफा अर्जमंद है, ऐसे खुदा पसंद खुदी को पसंद है। पंजे अलम पे नसब है, ये दुनिया देख ले, गाजी के हाथ कट के भी कितने गुलाम हैं। और फातिमा की आखिरी आरजू अब्बास, फातिमा की आखिरी आरजू अब्बास है, मकसद शब्बीर की जुस्तजू अब्बास है। है जहां में बेमिसाल दोनों अली के लाडले, हुसैन अगर है नमाज तो वजू अब्बास। करबला का मैदान, वाला अब्बास मैदान में उतरे, सामने वाली फौज में से किसी ने कहा अब्बास चला जा वरना मारा जाएगा। तवज्जो है, वाला अब्बास खैमे से निकले मैदान में आए, सामने वाली किसी फौज में से कहा कि अब्बास चला जा वरना मारा जाएगा। मारा जाने का लफ्ज आया, करार के चेहरे पर जला हुआ। अगर अभी भी नहीं समझ आई हो तो और कह दूं कि गुलाब सीरत चेहरा गुलाब सूरत हो गया। मौला ने अशर को एड़ लगाई, अशर मौला बाद के घोड़े का नाम है, मौला ने अशर को एड़ लगाई और यह भी बताया कि तुमने कहाँ जाना है, क्योंकि मौला का पता कि अशर को पता है उसने कहाँ जाना है। सफेद चीरता हुआ अशर उसके पास रुका, जिसने कहा था कि मौला अब्बास चले जा वरना मारा जाएगा। मौला अब्बास के उस बंदे को यूं पकड़ा, कहता है मौत का डर और अब्बास को जमीन में पटका, क्योंकि पीछे इज़्ज़त शबीर था। आवाज जंग नहीं करनी, लड़े बगैर लड़ाई करना। मौला ने यूं पकड़ा, जमीन पर फेंक दिया, कहा क्या करूं के कर्म मेरी गुट्टी पे। लफ्ज़ बोले बड़ी मेहरबानी, क्या करूं के कर्म मेरी गुट्टी में है, क्या करूं के कर्म मेरी गुट्टी में है, क्या करूं के कर्म मेरी गुट्टी में है, और दूसरा इज़्ज़त शबीर भी है साथ में, वरना चाहूं तो इंसान ठहरे रहे और आ जाए रूहे मेरे। क्या करूं के कर्म मेरी गुट्टी में, क्या करूं के कर्म मेरी गुट्टी में है, और दूसरा इज़्ज़त शबीर भी है साथ में, वरना चाहूं तो इंसान ठहरे रहे और आ जाए रूहे मेरे हाथ में। मौला अब्बास ने ये तेवर देखे, करबला के मैदान में ऐसे खौफ तारी हो, किसी ने कहा भाग जाओ, खैबर वाला अली आ गया। कुछ लोगों ने अपने अबा और दाद की रिवाज को अपनाया, नारायण दल बगलैन बाहर खड़े हुए। मौला ने कहा फज़हबू, ठहर जाओ, सोचो कि तुम कौन हम कौन है। क्या फज़हबू, ठहर जाओ, सोचो कि तुम कौन हम कौन है।
तुम पे ये राज खुलेगा कुछ देर से, मैं वजीर हुसैन और वजीर हुसैन, मैं मुशीर हसन और वजीर हुसैन, फिर भी उलझते हो तो तहीर के शेर से, शह इस यहाँ के अबतर मकीनों सुनो तुम मिले गंदगी के किसी देर से। पहले भी मोहतरम ने अर्ज किया है कि जो उस साइड पे बैठे हैं वो बड़ी दूर हैं, अगर सामने आ जाएं तो मेहरबानी। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, खत्मे कुरान का सवाब हैदरी या अली, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अहले बैत के दुश्मनों के लानत बेशुमार, तहफ्फुज मलऊन के लानत बेशुमार, दिल के बावाज बुलंद सलावत पढ़
हर बंदा चाहता है कि मैं सोना लगा, मैं गुजारिश करेंदा रहा अपने आप को सोना बनाने तो नमाज पढ़ी कर। नमाज क्यों जरूरी है? जयपुर होंगे बैठे हो, जिस दा जिक्र करें दे हो, उस दा सारा नुकसान नमाज पिछे। नमाज जिम्मे असा आजादारी को अहमियत दें, आजादारी का मकसद इकट्ठा होने का मकसद भी नमाज है। रास्ते में थे एक गल मैं अपने आप के बारे समझता हूँ कि नमाज हुसैन जिवें तो हुसैन याद है हुसैन का सजदा भी उन्हें याद होना चाहिए, जिवें तो अली अकबर याद है उन्हें अली अकबर की अजान भी याद होनी चाहिए। अपने आप को पहले पर अपने बजुर्ग और भरावों को अपील करे कि जिवें आजादारी और इसका इतमाम है इवें नमाज और अजान दुआ होना चाहिए। आज की रात सलवार पढ़ के कल भी अर्ज किया इस घराने की शान इतनी है, बहु बुलंद शान ने बैठ दी और जदा कित होती है जदा कोई डॉक्टर इलाज करें दे मरीज को चेक करें दे तो उस सब तो पहले मरीज को चेक करे सी इतना हाथ ले सी मरीज अक्सी दर्द कोई नहीं इतना हाथ ले सी मरीज अक्सी दर्द कोई नहीं दर्द को जिस जगह पे हो सी उस जगह पे डॉक्टर का हाथ पहुंचे तो मरीज अक्सी हाँ मेरे को इतना दर्द है और इन्हें सारा को जेडे मुनाफे के लिए उन्हें नारे तकबीर नाल दर्द नहीं थी बचो नारे रिसालत नाल दर्द नहीं जड़े ही मौला अली नारे हैदरी का ना आवे वो आदि सब दर्द है वजो है सब तो बड़ी मुनाफकत मौला अली की दुश्मनी है। मैं आता तू इस्लाम चाहिए दे जे इस्लाम बचाया उनके नाल दुश्मनी दुखी ना इस्लाम चाहिए दे वजो है किबला बहुत बड़ी शान है अली की। मैं आता ना शिकवे कर हजारा शिकवे कर हजारा मुनाफकत दिल च रख लेकिन अली तो बगैर जदा नबिया नहीं नहीं नबी तू के शायद अली मैदा रसूल नू रिसालत मुकम्मल थई ने जदा गदीर च विलायत दा ऐलान उस कीता जी बिस्मिल्लाह बहुत बड़ी शान है अली बादशाह दी ते लोग एतराज करें ने जो वदाई खड़े मैं अंदर आना तो रोकण वाला कोई नहीं। कल भी अर्ज कीता है तुहाडे जितने मिलाद तुहाडे जितने प्रोग्राम सलाम साडे लखां ते करोड़ां तुहाडे मिलाद ते सलाम तुहाडे हर प्रोग्राम ते सलाम। मैं अंदर आना जिवें अली दे बारे चाहते हो लोग इतनी क्यों शान दे वधाई खड़े किसे जगह ते ए भी ते आप पुछाना जो इतना इन्हां दा इतना नुकसान क्यों है बोलो दीन ते कहंदा खर्च के अली बादशाह दा पूरा घर अली बादशाह दा रुक गए। अज दी रात कोई फजाइल भी नहीं दो चार गल्ला मैं अपने आपके बाद जब समय कोर्ट पे कोर्ट क्यों नहीं होगी जिक्र है जी बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। मैं अगर आना बहुत बड़ा नुकसान पुत्र अली दे रुले धीया 28 रजब को जेड़ा काफला मदीने जो टुर रहे हो कहते करो टुर रहे जी बिस्मिल्लाह अली बादशाह दे जेड़ा करबला काफला है कहते करो आए अली बादशाह दे सब तो बाद जिन्ना दा पानी बंद किया हो कहता करे बोले जी बिस्मिल्लाह जेड़े बंदे रोमण वास्ते आए हो रोमण दा सम्मान पैदा करो दा मुहर्रम को जेदे दरवाजे ते 120 लाश आ गई हो घर दे जी बिस्मिल्लाह। कई बंदे इसको चुप कर गए हो जो हुसैन लाश चंदा दे करीब तो चंदा दे नहीं बस मेंबर दी कसम है कोई 2 मील तो कोई 4 मील तो कोई 8 मील तो जी बिस्मिल्लाह बहुत औखिया लाशा चाहिए हुसैन तो मेरे को दसाओ अकबर की लाश से जद आए हुसैन जवान पुत्र की मौत बहुत औखी मौत होती है जी बिस्मिल्लाह। बस मुख्तसर करा अकबर आए बाबा मेरे को इजाजत फिर मैंने अकबर मेरे को दसा ना जद कोई माली बाप लावे दसा उनके सारे पौधे फल चाहते आवाज आ गई बाबा
कई कई चाहते हैं कई नहीं चाहते आवाजा नहीं जो माली बाप लावे फल चावन पहले तो जा मे उस माली से क्या गुजरती जी बिस्मिल्ला आवाजा नहीं बाबा इन गल पढ़ते हो अली अकबर का मसाइब बहु बंदे पढ़ते हैं घट बंदे एक आलिम दीन पे फरमाते हैं जो शकी उल कल्ब है वो बंदा जेड़ा अकबर की शहादत से रो नहीं सकता जी बिस्मिल्ला वो औखी शहादत पे जवान दी फरमाते हैं तेरी इजाजत तेरे पालन वाली मां को ले बस इजाजत मिली घोड़े पे चढ़े अकबर घोड़ा टो रहे हुसैन लाल टोरना शुरू किया है अकबर घोड़ा तेज टो रहे हुसैन तेज टोरना शुरू किया है अकबर का घोड़ा मजीद तेज हुए ना हुसैन का मामा खुल के गले चा गए जी बिस्मिल्लाह जे तक टूर दे रहे जे तक अकबर नजर आ रहे हुसैन दे दे रहे जब अकबर गायब थी गए ना इनू अब्बास साहब ने अकबर वागा रोक पीछे कुरान चढ़ना आ गई जी बिस्मिल्लाह पर अली अकबर वापस हो ले बाबा न मन्या अब्बास आगे बार अकबर मैं तो रुके नहीं एक बारी बेकू दाढ़ी ते चुमाई वन एक बारी मैं कुछ सीधा चुमाई मान अकबर ते को देखा मैं को ना ना याद आंदे जी बिस्मिल्लाह अकबर मैदान में चाहे बेमिसाल जंग की तीने इदो हुसैन टिबे ते खड़े अकबर ते जंग दे के खड़े ते एक हक लाइए बाबा मैं लह गया बाबा मेरी भूख गई बाबा मैं घोड़े तू लह गया जितने बंदे मेरी गल सुन दे बैठे हो किससे ज़ईफ बाप तक बेटे दी इया आवाज पहुंचे बाबा बेटी भूख गई बाबा मैं ले गया प्यो मरण तो पहले बात नहीं वे ते हुसैन ते केड़ा असर